नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर द्वितीयक सेल पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल अपन पहले पढ़ चुके हैं। देखिए द्वितीयक सेल के बारे में थोड़ा सा, अपन ने जब सेल को क्लासिफाइड किया था तब अपन ने बताया था कि ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो ये ऐसे सेल है जिन्हें क्या होगा, पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है पुनः आवेशित इनको, क्योंकि इनमें होने वाली जो सेल अभिक्रिया है, सेल रिएक्शन है, वो बहुत डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शन के अंदर वो होती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, अर्थात कैसी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इनके अंदर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्लियर, यही दो मेन फीचर्स हैं इनके। अब द्वितीयक सेल के आपके पास दो एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताए थे। एक तो कौन सा आपके पास, लेड स्टोरेज बैटरी, जो घरों में इन्वर्टर के रूप में काम में ली जाती है, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो, सीसा संचायक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इनको, सीसा संचायक सेल। और जो सेकेंड इसके अंदर है वो कौन सी है, निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल। तो सेकेंडरी सेल के लिए आपके पास दो एग्जाम्पल है। आपको इन दोनों सेलों के बारे में स्टडी करनी है कि इनमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होने वाली है, तो इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कौन सा इसके अंदर, लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा संचायक सेल, जो घरों में इन्वर्टर बैटरी के रूप में भी काम में आता है। तो ये हो गया मेरे पास सीसा संचायक सेल। देखो जब भी मैंने आपको सेल पढ़ाए हैं तो आपके सिलेबस में जैसे बहुत सारे सेल हो जाएंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, ड्राई सेल आ गया, मानक वेस्टर्न सेल आ गया, और एक आपके पास मर्करी सेल आ गया। इतने सेल की सेल रिएक्शन को डाइजेस्ट करना एक अलग बात है। इसलिए आप क्या करो, इनमें आप सबसे पहले ये याद करो कि एनोड का पार्ट क्या है, कैथोड का पार्ट क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य के रूप में आप इनके अंदर क्या ले रहे हो। तो जैसे मैं बात करूं तो एनोड के लिए आपने इसमें क्या लिया है, लेड लिया है, यानी कि पीबी धातु की छड़ किसका काम करेगी, एनोड का। दूसरी बात, कैथोड का काम कौन करेगा, कैथोड का काम भी पीबी धातु की छड़ी करती है, लेकिन इस छड़ के, इस रोड के चारों तरफ आप क्या कर देते हो, इसे पीबी O2 से कोटेड कर देते हो, यानी कि आपके पास दो पीबी धातु की छड़ है, जिसमें से एक पीबी धातु की छड़ तो किसका काम कर रही है, एनोड का, और दूसरी जो पीबी धातु की छड़ है उसके बाहर की तरफ आपने एक आवरण या लेप कर दिया है, किसका, पीबी O2 का। तो आपके लिए जो कैथोड का काम करेगा वो कौन करेगा, पीबी O2 करेगा। नेक्स्ट बात, विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य का काम क्या करेगा, इसके अंदर H2SO4 करेगा, और वो कितना होगा, 38% वेट बाई वेट होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना इसके अंदर कि एनोड का काम कौन करेगा, कैथोड का काम कौन करेगा, और विद्युत अपघट्य इसके अंदर क्या होगा। तो एनोड तो क्या है, पीबी धातु की छड़, कैथोड क्या है, पीबी O2 की परत चढ़ी पीबी धातु की छड़, और विद्युत अपघट्य के रूप में क्या लिया आपने, 38% वेट बाई वेट सांद्रता का H2SO4 का विलयन लिया है। अब बात करेंगे अपन इस सेल की बनावट की या इस बैटरी की बनावट की। आपने देखा होगा घरों के अंदर बैटरी को, जब उसमें पानी कम हो जाता है, घर वाले बोलते हैं कि पानी डाल दो बैटरी के अंदर, पानी खत्म हो गया है, तो जैसे आप उसको उठाकर देते हो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर अपन बात करें तो कुछ तो छड़ है इसके अंदर, या कुछ जो इलेक्ट्रोड रहेंगे वो तो किसके रहेंगे, लेड के रहेंगे, पीवी धातु की छड़ रहेगी। ये क्या हो गया आपके पास, एनोड, और इसके एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये किसका का, ये क्या है आपके पास, पीवी धातु की छड़ है, और दूसरा जो आपके पास इसके अंदर पार्ट है वो किसका है, पीबी O2 की परत चढ़ी पीबी धातु की छड़ है। ये क्या है आपके पास, पीबी O2 की परत चढ़ी पीबी धातु की छड़, पीबी धातु की छड़। क्लियर, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पीबी धातु की छड़ है डायरेक्ट, और इसके अंदर जो विलयन भरा हुआ है यानी कि विद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो कौन सा है,
वो है 38% वेट बाई वेट H2SO4। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दो तीन इलेक्ट्रोडों के संयोजन से बनी हुई युक्ति है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो आपने इस बैटरी को देखा होगा, बैटरी ये डिस्चार्ज भी होती है और क्या होती है, चार्ज भी होती है, यानी कि निरावेशित भी होती है ये बैटरी और आवेशित भी होती है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर करंट सप्लाई नहीं हो रही, लाइट नहीं आ रही है, तो बैटरी ऑटोमेटिक क्या कर देती है, आपको करंट देने लगती है। यानी कि अब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट से घर की लाइट से आ रही है, तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, निरावेशित हो रही है। और जैसे लाइट आ रही है तो बैटरी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, यानी कि आवेशित हो रही है। तो दो प्रकार की सेल रिएक्शन होती है इसके अंदर, आवेशित अभिक्रिया भी और निरावेशित अभिक्रिया भी है। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, निरावेशित अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर निरावेशित अभिक्रिया पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और ध्यान देना, कोई भी बैटरी यदि चार्जेबल है चार्जेबल होने का मतलब ये हो गया बैटरी का कि दोनों तरफ उसके अंदर रिएक्शन होगी, अगर अभिक्रिया भी होगी, पश्च अभिक्रिया भी होगी, इनकी चार्जेबल और डिस्चार्जेबल बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। दूसरी बात में इसके अंदर अगर कोई भी बैटरी यदि डिस्चार्ज होती है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जरूर होता है, क्लियर। अब मान लीजिए किसी बैटरी के अंदर जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है वो उतनी जल्दी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। जो आप एक चीज़ इसके अंदर पहले से याद करके रखे कि आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी है जब ये डिस्चार्ज होती है तो इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये बात आप पहले से ही लर्न करके रखे क्योंकि ये बात आपके काम में आने वाली है। लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और किसी बैटरी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बैटरी के डिस्चार्जिंग के दौरान जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो बैटरी उतनी जल्दी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपने ये लर्न कर रखा है कि आपके पास एनोड का काम कौन करेगा, पीबी धातु की छड़ करेगी। कैथोड का काम कौन करेगा, पीबी ओ टू करेगा, यानी कि पीबी धातु की छड़ जो कवर था, कोटेशन था, वो किसका था, पीबी ओ टू का। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य है वो किसका है, H2SO4 का है, क्लियर। ध्यान देना, अब सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, एनोड की। तो एनोड पर आप लोग जानते हो कि क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, पीबी का होगा। तो चलिए अपन पीबी का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ये हो गया पीबी सॉलिड का होगा ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया पीबी सॉलिड कन्वर्ट इनटू पीबी 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। आपने क्या किया था, पीबी रोड को, जैसे ये पीबी रोड है, ये H2SO4 के विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन के अंदर डिप की हुई थी। अब ये प्रेजेंट टाइम में कैसी है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है ये किस में आ जाती है, एक्वस स्टेट के अंदर आ जाती है। तो जैसे ही एक्वस स्टेट के अंदर आएगी किस में गिरेगी जाकर के, ये H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर गिरेगी। H2SO4 के सॉल्यूशन के दो पार्ट है, एक तो आपके पास H+ है, एक क्या है, SO4 2- है। तो PB2+ किस में जा रहा है, H2SO4 में। तो H2SO4 के कौन से पार्ट से रिएक्शन करेगा, वेरी गुड, किस से, सल्फेट से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी इसकी। तो मैंने लिखा PB2+ एक्वस प्लस SO4 के ऊपर 2- एक्वस कन्वर्ट इनटू PB SO4, यही तो बनेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, एनोड की रिएक्शन ही लिख रहे हैं, और एनोड की रिएक्शन को भी अपन ने क्या किया है, पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है। इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो ऐड करेंगे तो PB2+ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, PB2+, क्या बचा आपके पास, PB सॉलिड प्लस SO4 2- एक्वस कन्वर्ट इनटू PbSO4 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इट इज द कंप्लीट हाफ सेल रिएक्शन ऑफ एनोड, यानी कि एनोड पर होने वाली जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है वो कौन सी है, पीबी सॉलिड रिएक्ट विद SO4 2- एक्वस एंड कन्वर्ट इनटू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आपने एनोड की सेल रिएक्शन को गेन किया है।
ऐसे ही क्या करेंगे अपन, कैथोड की रिएक्शन को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके लिखेंगे। तो एक तो ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख लेता हूं वापस, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस इक्वेशन की। तो देखिए इक्वेशन आती है थी एनोड की, पी बी सोलिड प्लस एस ओ फोर टू माइनस एक्वस कन्वर्ट इंटू पी बी एस ओ फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बात करेंगे अपन किसकी, कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पर कौन सी सेल रिएक्शन होगी। क्लियर। तो देखिए कैथोड की, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन की मैं बात करूं तो कैथोड का काम कौन कर रहा था, पी बी ओ टू कर रहा था। आगे मेरे को कुछ पता है नहीं कि यहाँ पे क्या होने वाला है और क्या होगा, प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये लिख दिया मैंने। दूसरी बात, इस रिएक्शन को आप इतना ही रहने दीजिए, एक बार एनोड की जो सेकेंड रिएक्शन थी ना उसी को रिपीट कर लीजिए यहाँ पे। एनोड, एनोड हाफ पे जो सेकेंड रिएक्शन थी वो क्या थी, देखो वो थी मेरे पास पी बी टू प्लस एक्वस प्लस एस ओ फोर टू माइनस एक्वस कन्वर्ट इंटू पी बी एस ओ फोर, ये था मेरे पास। मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, आप इसको लर्न कर सकते हो, आपको आसानी के साथ याद हो जाएगी। एनोड की रिएक्शन को आपने दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा था, पी बी सोलिड कन्वर्ट इंटू पी बी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। एंड द अदर पार्ट क्या था उस रिएक्शन का, अदर पार्ट ये था रिएक्शन का कि पी बी टू प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस कन्वर्ट इंटू पी बी एस ओ फोर। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एनोड की हाफ रिएक्शन और कैथोड की जो सेकेंड रिएक्शन है उस, वो सिमिलर ही है इसके अंदर। एक याद करने के लिए मोड बता रहा हूँ मैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखना। अभी जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, लेकिन मेरे को इतना जरूर याद था कि कैथोड पे क्या काम आएगा, पी बी ओ टू, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो मैंने सिर्फ दो ही चीज़ लिखी है, पी बी ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। आपने एक बात और लिख रखी है कि क्या टू एच टू ओ का फॉर्मेशन होगा, आप डिस्चार्ज रिएक्शन ही लिख रहे हो। तो टू इलेक्ट्रॉन का, सॉरी टू वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आए क्या, नहीं आए। सेकंड में आए थे क्या, एनोड की जो सेकंड रिएक्शन थी नहीं आए थे। क्या फोर्थ रिएक्शन में आए हैं क्या, नहीं आए। तो किस में आएंगे, थर्ड में आएंगे। इसका अंदाजा और कहाँ से लगा सकते हो आप, देखिए एसओ फोर टू माइनस और एसओ फोर टू माइनस, आपके पास दो एसओ फोर टू माइनस आ गए, इट मीन्स टू एस ओ फोर टू माइनस कहाँ से आए होंगे, ये एच टू ओ फोर से तो आएंगे ना, टू मोल ऑफ एच टू ओ फोर से आएंगे, इट मीन्स यू हैव द फोर एच प्लस। इसका मतलब आपके पास कितने एच प्लस बच गए हैं, चार एच प्लस बच गए हैं। क्लियर। दूसरी चीज देखो, कोई यहाँ पे क्यों लिखा गया है, यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ बना होगा पी बी टू प्लस एक्वस। भाई आपने ये कहा कि किसी के ऑक्सीडेशन से रिडक्शन से कोई स्पीसीज बनती है तो वो किधर जाती है, सॉल्यूशन के अंदर जाती है। ध्यान देना इधर, ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, किसमें है, प्लस फोर में। ये प्लस फोर में तो इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसके अंदर आ गया, पी बी टू प्लस एक्वस के अंदर आ गया। क्लियर। और जैसे ही पी बी टू प्लस एक्वस में आएगा किधर चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और सॉल्यूशन में जाकर के क्या बना लेगा, ये पी बी एस ओ फोर बना लेगा। अब दूसरी बात देखो, एक एस ओ फोर और दो एस ओ फोर है, तो कितने एच प्लस बच गए आपके पास, चार एच प्लस। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सल्फेट इधर आया है एच प्लस इधर आएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। और क्या वजह है मेरे पास कि मैं यहां पर एच प्लस का यूज करूं, और ये वजह है मेरे पास, देखिए इधर की तरफ चार्ज कितना है, टू प्लस है। अभी जो भी रिएक्शन है देखिए, इधर इस रिएक्शन के अंदर चार्ज देखिए, टू माइनस और टू इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स बोथ आर द चार्ज आर सेम, दोनों साइड पे चार्ज क्या है, सेम है। अब इसकी यदि अपन बात करें तो इधर कितना है, टू प्लस है, इधर कितना है, माइनस टू है। माइनस टू को और प्लस टू को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, बाय यूजिंग द प्लस चार्ज। और कितना प्लस चार्ज, चार एच प्लस से, कितने से, चार एच प्लस से आप बैलेंस कर सकते हो। और जैसे ही चार एच प्लस से बैलेंस करोगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बच गए, टू ऑक्सीजन। टू ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जाएगा, एच प्लस के साथ, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, टू एच टू ओ बन जाएगा। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। और इस वजह से आप लेड स्टोरेज बैटरी के एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शन को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो। एड करके लिख दो, पी बी टू प्लस से क्या कट गया, पी बी टू प्लस। क्लियर, एड करके लिख दो बस बाकी हम। तो आपके पास क्या है, देखो पी बी ओ टू प्लस फोर एच प्लस एक्वस प्लस एस ओ फोर टू माइनस
एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये इतना पार्ट है। देखो PbO2 4H प्लस SO4 2 माइनस एंड रिमाइनिंग इज द 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रोडक्ट क्या बना है आपके पास, PbSO4 प्लस 2H2O, यही तो है प्रोडक्ट। देखो आपके पास एनोड की रिएक्शन है, आपके पास कैथोड की रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को आप ऐड करके लिख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। यानी कि सेल जब निरावेशित हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है तब कौन सी रिएक्शन एज ए सेल रिएक्शन इसके अंदर प्रोसीड की है। देखिए एनोड की रिएक्शन है आपके पास, कैथोड की रिएक्शन लिखिए आप, तो ये हो गया PbO2 प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू PbSO4 प्लस 2H2, इज दैट क्लियर। आपके पास एनोड की रिएक्शन भी है और आपके पास कैथोड की रिएक्शन भी है। जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है, निरावेशित होती है, तो एनोड की अभिक्रिया तो ये होगी, कैथोड की अभिक्रिया ये होगी, क्लियर। इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दीजिए आप, ऐड करके लिख दीजिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दूं, बोथ आर द अपोजिट साइड ऑफ एरो, क्लियर। लिखिए आप इसको, मैंने लिखा पीबी सॉलिड प्लस PbO2 प्लस, इधर देखना 1 सल्फेट एंड इट इज द सेकेंड सल्फेट विद 4H प्लस आइन। इन तीनों का मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, 2H2SO4 ही तो बनेगा, चेक कीजिए देखें, क्लियर। चलिए क्या क्या बचा आपके पास, 2 मोल ऑफ लेड सल्फेट, तो 2 मोल ऑफ SO4 प्लस 2H2O, इट इज़ द सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ये क्या है, आपके पास सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी की वो रिएक्शन है जब आपकी बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो गई है, डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि घर में लाइट नहीं आ रही है और बैटरी के थ्रू आपको घर के अंदर क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। अब सपोज करो आपको ये कहिए कि चार्जेबल रिएक्शन लिखिए इसकी, क्या कहिए, चार्जेबल रिएक्शन लिखिए, यानी कि इसकी मेरे को क्या लिखनी है, आवेशित अभिक्रिया लिखनी है, क्या लिखनी है, आवेशित अभिक्रिया। तो देखिए जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल का, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उतनी जल्दी बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। तो देखिए बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब बैटरी चार्ज होगी तो इन दोनों से किसका फॉर्मेशन होगा, H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो देखो आवेशित अभिक्रिया लिख रहा हूँ मैं, 2PbSO4 प्लस 2H2O कन्वर्ट इनटू पीबी सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, क्लियर। जब आपके पास आवेशित अभिक्रिया आ गई है, चार्जेबल रिएक्शन आ गई है, तो आप निरावेशित अभिक्रिया आ गई है तो आप आवेशित अभिक्रिया आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना, आप इसके अंदर डिस्चार्ज रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस करना, और ये भी ध्यान रखना कि कितने वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो आप आराम से ये अभिक्रिया इसकी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, निकल कैडमियम सेल के बारे में। तो देखिए जो आपका निकल कैडमियम सेल है या जो निकल कैडमियम बैटरी है वो एक बढ़िया क्वालिटी की बैटरी है देन कंपेयर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। यदि अपन बात करें किसके बारे में, निकल कैडमियम सेल के बारे में, तो वो एक अच्छी गुणवत्ता का सेल है किसके कंपैरिजन में, सीसा संचायक सेल के कंपैरिजन में। तो फिर घरों में वही लगाना चाहिए था, सीसा संचायक सेल क्यों लगाया, इसलिए कि उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिकली वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। इसलिए घरों के अंदर अपन सस्ता सुंदर और टिकाऊ काम करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का यूज करते हैं। और आपका जो ये निकल कैडमियम सेल या जो निकल कैडमियम बैटरी है वो एक बार चार्ज होने के बाद में चार्ज को काफ़ी देर तक मेंटेन करके रखती है, और कहीं मैं ऐसा कह सकता हूँ सीसा संचायक सेल से कहीं ज़्यादा मेंटेन करके रखती है। तो देखिए अपन बात करते हैं किसकी, अब निकल
कैडमियम सेल की बात करते हैं। क्लियर? आपको बस सबसे पहला काम यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा और विद्युत अपघट्य क्या होगा। ध्यान देना इधर देखिए, यदि मैं किसकी बात करूं एनोड की, तो एनोड की फॉर्म में क्या लिया हुआ है, कैडमियम मेटल रोड ली गई है, सीडी धातु की छड़ ली गई है। यदि बात करें अपन किसके बारे में, कैथोड के बारे में, तो कैथोड के बारे में क्या यूज किया, कैथोड के लिए NiOH की ओलाइस 3। क्लियर? और जो विद्युत अपघट्य लिया है आपने, विद्युत अपघट्य किसका लिया आपने, KOH का लिया है। ये भी बैटरी कैसी है, सेकेंडरी सेल के अकॉर्डिंग आती है, तो इसमें भी जो सेल रिएक्शन होगी वो बोथ साइड होगी, रिचार्जेबल, रिचार्जेबल है तो इसके अंदर चार्जेबल रिएक्शन भी होगी और डिस्चार्ज रिएक्शन भी होगी। तो सबसे पहले अपन इसके लिखते हैं कौन सी, निरावेशित अभिक्रिया, कि बैटरी जब क्या हो रही है, निरावेशित। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी बैटरी यदि डिस्चार्ज हो रही है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जरूर होता है, ये उससे अच्छी क्वालिटी की है लेड स्टोरेज बैटरी की, तो उसमें तो दो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, कम, मतलब दो से तो कम वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही होगा। रिएक्शंस को आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, कैडमियम मेटल रोड है जो किसके अंदर डिप की हुई है, KOH के सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अपन एनोड की। देखिए एनोड की बात करें तो आपके पास क्या था, सीडी धातु की छड़ है, सीडी मेटल रोड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपके पास क्या बनाइए, सीडी 2+ एक्वस प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन बन गया आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, ये सीडी धातु की छड़ किसमें रखी हुई है, KOH के सॉल्यूशन के अंदर रखी हुई थी, तो जैसे ये KOH के अंदर जाएगी तो क्या होगा, Cd2+ एंड द पार्ट ऑफ KOH विच इज द OH- आयन, इन दोनों के साथ क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी। तो देखो यानी कि Cd2+ एक्वस किसके अंदर गया, KOH के सॉल्यूशन में, तो KOH के सॉल्यूशन में किसके साथ रिएक्शन होगी, OH- के साथ, और Cd2+ को कितने OH की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो यहाँ कितने लगा दिए अपन ने, 2 लगा दिए। अब बाकी होगा वो अपन देखेंगे। एक बार ध्यान देना, Zn, Cd, Hg ये तीनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, और यदि इनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ मैं रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनाता है, देखो ये Zn बनाता है। भाई मैं और किसी के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन Zn के बारे में तो जानता ही हूं ना। जब Zn बनाता है तो Cd क्या बनाएगी, CdO, और Hg क्या बनाएगा, HgO बनाएगा। आप याद कीजिए मरकरी सेल को, मरकरी सेल में आपने Zn लिया था, KOH के सॉल्यूशन में डिप था, तो Zn का ऑक्सीडेशन करवाया, Zn2+ एंड +2 इलेक्ट्रॉन, एंड Zn2+ गोज इनटू द सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो KOH के साथ रिएक्शन करके उसने क्या बनाया था, Zn, तो Cd भी क्या बनाएगा, CdO बनाएगा। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्या, ये हो गया मेरे पास CdO। ध्यान देना इधर, आपके पास 2OH- थे, इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो चुका है, क्या बचे आपके पास, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो मेरे पास क्या आ गया, ये H2O का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर ही कोई भी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जरूर होगा। क्लियर? अब इस एनोड की रिएक्शन को आप क्या कीजिए, एड करके लिख दीजिए। क्लियर? तो Cd2+ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, Cd2+, क्या बचा आपके पास, सीडी सॉलिड प्लस 2OH- कन्वर्ट इंटू CdO प्लस H2O। जो बैटरी रिचार्जेबल होती है उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट से, विद्युत अपघट्य से जो पार्ट आता है ना, वो कंप्लीट सेल रिएक्शन के अंदर नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये कौन सी रिएक्शन आपके पास, एनोड की रिएक्शन है, एनोड पे क्या होने वाला था, ऑक्सीडेशन, वो अपन ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अपन कैथोड की। कैथोड की फॉर्म में आपने क्या यूज किया है, NiOH की ओलाइस 3+। देखिए इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा NiOH की ओलाइस 3, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब एक बार ध्यान देना इसके अंदर, यदि NiOH3 यानी कि निकल किसके अंदर है, 3+ के अंदर है। क्लियर? अब जैसे ये Ni3+ यदि क्या कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो निकल किसके अंदर चला जाएगा, Ni+1 के अंदर चला जाएगा, निकल की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो आप क्या कर दो, इसको डबल कर दो, क्या कर दीजिए आप, इसको डबल कर दीजिए, उससे क्या होगा,
एक निकल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जो सेकंड निकल है वो क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि निकल 3+ से किसमें आएगा, 2+ में आएगा, और वो क्या है, एक्सेप्टेबल, इसकी एग्जिस्टेंस वैलेंसी है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 2 मोल ऑफ NiOH के OH3 ये ले लेते हैं अपन। एक निकल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा निकल दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो 2 NiOH की 2 मेरे पास ये बनेगा। मैंने एक बात और कही थी आपको क्या, कि जो बैटरी रिचार्जेबल होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट से जो पार्टिकल्स आते हैं वो आफ्टर द फिनिश ऑफ द सेल रिएक्शन वो रिएक्शन मिक्सर के अंदर नहीं रहेंगे। और इनका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हो, कैसे, यहाँ पे कितने OH हैं आपके पास, 3:2 × 2 दैट इज द 6 OH- और यहाँ कितने हैं, 4, तो कितने बच गए, 2 OH बच गए। और भी वजह है मेरे पास, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या लगा दूं मैं, 2 OH- लिख दूं, तो क्या होगा, सेल रिएक्शन का जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चेक कीजिए, देखिए 6 OH 4 OH + 2 OH, 6 OH हो गए, निकल 2 है, निकल 2 है, 2- है, और ये भी क्या है, 2- है, तो रिएक्शन क्या है अपनी, बैलेंस है, कंप्लीट है। इन दोनों रिएक्शन को क्या कीजिए आप, ऐड करके लिख दीजिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 OH- से क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2 OH- क्या बचा आपके पास, उन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। मेरे पास बचा एक तो CD सॉलिड प्लस 2 NiOH की 3, और कुछ है इधर, जी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट CDO प्लस 2 NiOH की 2 प्लस H2O। आप देख सकते हो जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हुई थी तो आपके पास 2 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल बने थे, लेकिन यहाँ पे क्या बना आपके पास, 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, मतलब इस बैटरी के डिस्चार्ज होने की जो रेट रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, क्लियर। अब आपको मैं ऐसा कहूँ, ये आपके निकल कैडमियम सेल की कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्ज रिएक्शन है, जब वो निरावेशित हो रही थी वो रिएक्शन है। अब आपको मैं कहूँ कि निकल कैडमियम सेल की आप आवेशित अभिक्रिया लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दीजिए, ये आपके पास रिएक्टेंट हो जाएंगे CDO प्लस 2 NiOH की 2 प्लस H2O एंड कन्वर्ट इनटू CD सॉलिड एंड 2 NiOH की 3। तो ये हो गया आपके पास क्या, निकल कैडमियम सेल, और इस सेल रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिखोगे तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो निकल कैडमियम सेल की आवेशित अभिक्रिया होगी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।